हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल SBR एकेडमी पे। सो इन दिस सेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कशन सम वोकेबलरी, और इसमें कम से कम समय में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी कवर हो जाए। और इस वोकेबलरी पार्ट को मैंने कुछ इस ढंग से फ्रेम किया हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप करेंट की नॉलेज रखते हैं, आसपास की देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी नॉलेज रखते हैं, तो ये पर्टिकुलर सेशन केवल आपके लिए ही बना हुआ है। तो प्लीज़ देखिए और डिसाइड कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को सुनने से पहले आप बिल्कुल इसको इस ढंग से सुनिए, बिल्कुल स्मूथली वीडियो को ईयरफोन लगा के अपने कानों में बैठिए, आंखें बंद करके सुनिए, दो बारी ओवर एंड ओवर सुनिए, दो बारी तीन बारी सुनिए, ये आपको मेमोराइज हो जाएंगी फ्रेंड्स। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो मूविंग ऑन, पहला वर्ड आता है एबडिकेट। एबडिकेट मीन्स गिव अप वॉलेंटरली, स्वेच्छा से कोई भी चीज़ आप जब त्याग कर देते हैं तो वो एबडिकेट करते हैं आप। तो जो अपने रिलीजियन को, वन हु एबडिकेट देयर रिलीजियन इज वैलिड लॉफुली, अपने रिलीजियन को कोई स्वेच्छा से त्याग करता है तो वो लॉफुल है। अगर कोई जबरन धर्मांतरण होता है, धर्मांतरण का हमारे देश में अक्सर मुद्दा उठ रहा है अभी पिछले कुछ टाइम से, तो जो भी जबरन धर्मांतरण हो रहा है वो अनलॉफुल है, और जो स्वेच्छा से जो एबडिकेट हो रहा है वो लॉफुल है। मूविंग ऑन, एब ओरिजिन्स, मूल निवासी, किसी जगह के मूल निवासी को एब ओरिजिन्स बोलते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। कोई भी पीपल चाहे कहीं भी चले जाए, किसी छोटे से गांव से बड़े शहरों में आ जाए, शहरों से दूसरे देशों में चला जाए, लेकिन दे शुड नॉट फॉरगेट देयर एब ओरिजिन्स। उनको हमेशा अपनी बेस को और एब ओरिजिन्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड वर्ड इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को समझना जब मुश्किल हो जाता है तो वो उसे हम एब्स्ट्रूज कहते हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा बिहार असेंबली इलेक्शंस हुआ था, उसमें जितने भी पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनके लिए ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रूज हो गया था, क्योंकि रिसेंट अगर आपको ये इलेक्शन के रिजल्ट याद होंगे तो JDU और RJT का महागठबंधन था, वो क्लियर मेजोरिटी में आई थी इस बिहार स्टेट में, और सारे पॉलिटिकल पंडित के अकॉर्डिंग भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रही थी, दो तिहाई से बहुमत हो रही थी, और इसका ठीक ही उल्टा रिजल्ट हुआ, तो बिहार असेंबली हो गया एब्स्ट्रूज पॉलिटिकल पंडित के लिए। एग्रेसर, नेक्स्ट इज एग्रेसर, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है वो एग्रेसर कहलाता है। रेड क्लिफ लाइन हमारे इंडिया और पाकिस्तान का खींचा गया एक लाइन है, और उस लाइन पर पाकिस्तान इज एग्रेसर, पाकिस्तान पहले हमला करता है, हम उसका अंत करते हैं, आखिर में हम करते हैं बंद। नेक्स्ट, एलिनेट, अपने फ्रेंड को एनिमी में कन्वर्ट कर लेना, और पूरे हिस्ट्री आप उठा लीजिए, औरंगजेब से ज़्यादा इस आर्ट ऑफ एलिनेशन, औरंगजेब को हिस्ट्री में ही ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, ही हैज़ कैरीज द आर्ट ऑफ एलिनेशन, वो दोस्त को भी दुश्मन बनाने की कला रखते थे, लाइक जैसे उन्होंने जिजिया टैक्स इम्पोज कर दिया था ब्राह्मिन्स पे, नॉन मुस्लिम्स पे, तो ऑलरेडी ऐसे स्टेप्स लेके वो सारे हिंदूज के अगेंस्ट हो जाते थे, कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते थे जिससे वहाँ के किसान, वहाँ के सामंत या और भी दूसरे धर्म के, सिख धर्म के लोग सारे उनसे एनिमी हो जाते थे। नेक्स्ट, एलिमनी, एलिमनी होता है अलाउंसेस गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ आफ्टर सेपरेशन, जब कोई वाइफ सेपरेट हो जाती है अपने हस्बैंड से आफ्टर डिवोर्स, तो उसको हम बोलते हैं एलिनेशन। टाइगर वुड्स, आपने रिसेंट पास्ट में, थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो तो टाइगर वुड्स जो थे उनकी 10-12 गर्लफ्रेंड्स और पत्नियां आ गई थी सामने, और सब ने एक दूसरे की पोल खोली और पता चला ऐसे ऐसे 12 या 12 या 16, आई डोंट हैव द करेक्ट फिगर, 12 या 16 उसकी टोटल गर्लफ्रेंड या बीवी थी, तो सब ने उनसे ह्यूज एलिमनी चार्ज किया था, और टाइगर वुड्स को इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों का कुशलता से इस्तेमाल करता है, यूज देयर बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स इज एम्बीडेक्स्ट्रस। वायरस, अगर आप मूवी देखा होगा अपने 3 इडियट्स, इसमें कैरेक्टर था वायरस, वीरु सहस्त्रबुद्धि, वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस थे, उन दोनों हाथों का वो बड़े ही कुशलता से इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट, एम्बिग्यूअस या एम्बिवेलेंट, जिस किसी भी बात का एक से ज्यादा अर्थ निकले या वो अस्पष्ट हो, अ स्टेटमेंट हुज मीनिंग इज अनक्लियर इज एम्बिग्यूअस, और मिलता जुलता सिनोनिम्स इसका एम्बिवेलेंट भी सेम है। तो आर्टिकल 239 AA, ये दिल्ली का आर्टिकल है,
ये एम्बिग्यूअस इन नेचर है, ये इट्सेल्फ ही, ये खुद में ही ये क्लियर नहीं है कि ये लेफ्टिनेंट ल्यूटिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर एम्पावर करता है या सेंटर को ज़्यादा एम्पावर करता है या स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ज़्यादा एम्पावर करता है। इसलिए आए दिन आप इसका फल सुनते रहते हैं जो दिल्ली में हो रहा होता है। एनिमिज्म, एनिमिज्म का ऐसा मतलब होता है धारणा जो कि ईश्वर या आत्मा हर एक चीज में होती है, बिलीफ ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इन एवरीथिंग। तो जैन जो होते हैं, जैन्स जो होते हैं, वो बिलीव करते हैं एनिमिज्म में। उनका विश्वास होता है कि सोल इज एटर्नल एंड इट नेवर डाइज, और हर एक चीज में सोल को वो देखते हैं। तो जैन बिलीव्स इन एनिमिज्म। एंटेडेट, टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट, किसी तारीख से पहले का। तो टू प्रोड्यूस एंटेडेट चेक, मैं पोस्ट डेटेड चेक को यहां पर एंटेडेट चेक बोल रहा हूं। एंटेडेट चेक आप जब किसी बैंक में लेके जाओगे तो वो होगा एक ऑफेंस। तो ये अर्लियर डेट में हम कोई भी चेक लेके नहीं जा सकते। आर्टिजन, आर्टिजन का मतलब होता है एक्सपर्ट इन एनी स्किल ऑफ हैंड, किसी भी चीज में आपकी हैंड है, एक्सपर्ट हो आप, कुशल हो, तो आर्टिजन हो आप। तो नेशन वर्कफोर्स के लिए आर्टिजन की रिक्वायरमेंट है, देश का अगर प्रॉपर बिल्डिंग होना चाहिए तो। नेक्स्ट, अपोस्टल, स्ट्रांग बिलीवर। आई एम एन अपोस्टल ऑफ पैंथियिज्म, मैं, पैंथियिज्म मीन्स बिलीफ ऑफ गॉड इन नेचर, मैं भगवान नेचर में गॉड है, मैं ऐसा मानता हूं और मैं इसका स्ट्रांग बिलीवर भी हूं। तो आप अपने बिलीव किसी भी चीज के बिलीवर हो सकते हैं, लाइक आई एम एन अपोस्टल ऑफ पैंथियिज्म, यू कैन बी द अपोस्टल ऑफ हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, सिखिज्म, किसी भी चीज के आप पैंथियिज्म होते हैं। और प्लीज गाइस मुझे कमेंट में करके बताइए आप किस चीज के अपोस्टल हैं, किस चीज के आप स्ट्रांग बिलीवर हैं। मैं तो पैंथियिज्म का हूं, तो आप किसके हैं। असर्टिव, अपनी ही बात को बहुत ही मजबूती से व्यक्त करना। वन हु एक्सप्रेस वंस ओपिनियन स्ट्रांगली, नरेंद्र मोदी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत ही बड़े असर्टिव इन नेचर हैं, अपनी बात बहुत ही कुशलता और बहुत ही दृढ़ता से रखते हैं। बेलिकोज, वन हु इज रेडी टू फाइट आर्ग्यूमेंट, थोड़ा हम इसको झगड़ालू के सेंस में कह सकते हैं। AK-49, ये शायद आपको मेमोराइज करा देता हूँ मैं। AK-49 अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और उनकी जो पहली बार सरकार थी वो 49 दिन की थी, 49 डेज की थी। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको ये नाम दिया था AK-49, और वो थोड़े बेलिकोज इन नेचर है ऐसा मैं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो बेलिकोज इन नेचर, आए दिन उनका आप देखते रहते होंगे, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर से होता है, कभी इलेक्शन कमीशन पे वो क्वेश्चन कर देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे, कैबिनेट मिनिस्टर्स पे, हर एक पे वो कुछ ना कुछ फिंगर रेज करते हैं। प्लीज गाइज इसका कोई भी पॉलिटिकल मीनिंग ना निकालें आप। बॉलीवुड, बॉलीवुड मार्ग ऐसा होता है, ब्रॉड रोड होता है और उसके दोनों तरफ ट्रीज होते हैं। जैसा हम लोग कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा व्यूज देखने को मिलता है, या बहुत ही रेयर व्यूज हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये एक हो गया बॉलीवुड मार्ग, ड्रीम इन इंडिया। मूविंग ऑन, ब्राइडल, अ ब्राइडल ऑफ हॉर्सेज हार्नेस दैट गोज ऑन इट्स हेड, इसका मतलब वो सिंपली होता है लगाम। तो आप ऐसा कह सकते हैं ब्राइडल ऑफ बीजेपी इज इन द हैंड ऑफ आरएसएस, बीजेपी की जो लगाम है वो आरएसएस के हाथ में है। ब्रोंको, हाफ ट्रेंड हॉर्स, आधा प्रशिक्षित कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बताया। ब्रोंको एक्सपर्ट इज इवन डेंजरस, इससे ही बेहतर है कि आपके पास ज्ञान ही ना हो, हाफ ट्रेंड नहीं होने चाहिए आपको बिल्कुल भी। बफून, बफून का मतलब कॉमेडियन, डॉक्टर, आपने सबने द कपिल शर्मा शो, फेमस शो आपने देखा ही होगा, तो डॉक्टर मसूर गुलाटी इसका एक कैरेक्टर था और वो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर जिक्र किया, ही इज द बफून कैरेक्टर। बीवाई, अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस, अ बीवाई एंटर्ड इन अखलाक, थोड़ा ये पुराना इशूज हो गया गाइस, अखलाक्स का दादरी वाला इशू था ये, दादरी का कांड जो हुआ था, उसके पर्सन के घर में घुस के उसे मार दिया गया था। तो अ बीवाई ग्रुप ऑफ पीपल उसके घर में एंटर करते हैं एंड टू किल हिम, बीवाई लोगों का दल। बर्गलर, लास्ट नाइट ऐसा हुआ था, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। बर्गलर, बर्गलर मींस चोरी करना, किसी भी आपके घर में घुस जाना और उसकी इंटेंशन चोरी करना हो, तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है कि लास्ट नाइट अ बर्गलर एंटर्ड माई हाउस टू ईट बर्गर शायद। अ बैलेड, बैलेड का मीन्स लॉन्ग सॉन्ग या पोयम, लंबी कविता। तो मेरा फेवरेट बैलेड है
वो है हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला। आप अपना बैलेट जो भी है आप वो इसमें फिट करके अपने फेवरेट फेवरेट आपका जो है वो इसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। बेनेवोलेंस, जेनेरोसिटी, उदारता। उदार लोग होते हैं, हमेशा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बेनेवोलेंस ऑफ अकबर इन मुगलिया सल्तनत, ये हमेशा रिमार्केबल माना जाता है हमारे पूरे इतिहास काल में। सो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप ऐसा और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ऐसे ही वीडियोस और लेकर के आऊँगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे, जिससे मैं और उत्साहित हूँ इस चैनल को और अच्छे ढंग से बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।